एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और ये एक प्रैंक वीडियो होने वाली है। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है। बर्थडे तो हो चुका है बट वो हम लोग को पोस्ट बर्थडे पार्टी दे रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी बात का मुद्दा उठा के मैं उसके ऊपर एक प्रैंक करती हूँ कि तुम मुझे क्यों बाद में पार्टी दे रही हो। मतलब मुझे, मेरी फ्रेंड लोग को, सबको। वो आज, मतलब उसका बर्थडे था 2 को और आज है 4, मतलब 2 दिन बाद वो पार्टी दे रही। तो बस ऐसे ही मुझे एक आइडिया आ गया कि चलो आज उसके साथ एक प्रैंक करते। उसको हम लोग पूरी पार्टी में बस टॉन्ट मारेंगे, उसको ये बोलेंगे कि हाँ, मतलब हम लोग तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, तुमने हमें आज पार्टी दिया, बाद में क्या ही मज़ा मिलता। वैसे सही बात है यार, जो बर्थडे के दिन मज़ा आता वो बाद के मजा नहीं आता। बट कोई ना, उसकी भी कुछ पर्सनल था तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कह सकते। हम लोगों को ऐसा गिला शिकवा नहीं है। बट हाँ, हम लोग उसके साथ प्रैंक में तो ये करने वाले हैं, उसको फुल मजा लेने वाले हैं। अगर वो रो देती है हम लोग की, वैसे तो मुझे नहीं लगता वो रोएगी, वो जान जाएगी कुछ ना कुछ के मस्ती कर रहे हैं। बट हम लोग एकदम सीरियस होकर बोलने वाले हैं। मैंने अपनी फ्रेंड लोगों को भी समझा दी है कैसा उन लोगों को रिएक्ट करना उसके सामने। उसको सिर्फ, जितना भी मैं व्लॉग ऑन करूँगी तुरंत उसको सिर्फ टॉन्ट ही मानना है कि हाँ गाइज, ये देखो ऐसी वैसी, मतलब जैसा भी उस समय का माहौल रहेगा उस तरीके का हम लोग उसके ऊपर बातें बोलेंगे। बस वो बुरा ना माने, ये ब्लॉग तुम देख रहे हो सृष्टि, तो आई एम सो सॉरी पहले से ही। हम लोग का ये एक प्रैंक है, इसको दिल पे मत लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये मजाक है तुम्हारे लिए। तुम्हारे साथ हम लोग ये थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं, तो दिल पे मत लेना। और हाँ, हैप्पी बर्थडे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप लोग चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब। आप लोग वीडियो देख लेते हो पूरा बट सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब लिख रहे तो उसको जाके ऑन करके बेल आइकन ऑन कर दो, जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तुरंत। तो जाके चैनल पर सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया, और वीडियो को लाइक पहले। तो गाइज, मेरी गैंग आ चुकी है और मैंने तुम लोगों को समझा दिया ना कैसे करना है, तो वैसे ही एकदम करना है एक्टिंग, ठीक है। और बिल्कुल ज्योति जी, आपसे मुझे थोड़ा सा वो है कि आप नहीं बोल पाओगे, लेकिन बोलना है, ऐसा रिएक्शन दिखाना है कि वो एकदम इतना लेट करती हो यार, इतना करी था हम कैब, तुम लोग को भी खड़ा कर। चलिए एकदम गुलाबो बनी है। नहीं बस करो, बस सेलिब्रिटी। कोई सेलिब्रिटी नहीं, बस दिखा रहे कि बंदर कैसे लगते हैं। तो गाइस, हम लोगों को थोड़ा लेट पार्टी मिल रहा है, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चल के वहाँ पे आज से बताते हैं क्या सीन हुआ है। तो ये हम लोगों को किराया दे रहे चलो थोड़ा सा वीडियो यहाँ बना लीजिए, तब चला जाए। बड़ा मेकअप, वैसे वेदर बहुत अच्छा हो रहा है यार आज का, तो ये दोनों मटक के चल रही हो रहा। और हम दोनों भाई भाई भाई, भाई। एक केक को इतना मत झुलाओ। हाँ नहीं, झूला झूले। तो हम लोग को पैदल चलना पड़ा, ऑटो ही नहीं जा रही है इसके आगे। यार पहले पता होता गाड़ी लाते। ओह गाड़ी ला, और क्या यार, स्कूटी तो आ जाती है, तीन लोग आ जाते हैं, क्या करे स्कूटी से। हाँ सृष्टि वहां पैची नहीं लग रहा है, रिश्ता वाले जो है। ये घोड़ा आया है सृष्टि के बर्थडे में जाने के लिए। रुक जाओ, मुस्कान का फूल ना देख लो गाइस। आज सारा कैमरा तुम्हारी तरफ ही फोकस रहेगा। फोकस आप पे ही है मैम। क्या किया जा सकता है, हमारा बर्थडे 2 जुलाई को था और आज 4, हम लोग 2 दिन बाद हम लोग बासीओड़ा खाने आए। यार देखो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिल में, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक फील हुआ, हम लोग बात कर रहे थे ऐसे घर पे। हाँ एक ये था कि मतलब चलो हम लोग सोचते थे हम लोग खास हैं। अरे भाई
क्यों ना डाले यार, मेरा चैनल है, मुझे कुछ भी डाले। पहले तो पोस्ट होते हैं ना बार बार वाली यार, ये गलत लेके उन लोगों ने मुझे सरप्राइज दिया था ना यार। सरप्राइज दिया तुम्हारे पास सही, लेकिन तुम ये कह सकती थी यार कि हाँ दीदी हम आपके साथ भी टाइम स्पेंड कर ले, उन लोगों के साथ भी स्पेंड कर, लेकिन तुमने उन लोगों को चुना। तुमने सोचा कि फिर रात में 8 बजे जाते क्या, तो तुमने सोचा होगा कि भाई इन लोगों के साथ क्या ही करना, चलो इन लोगों को भी बाद में दे देंगे, क्या फर्क पड़ता। तुमने ये तुम्हारे थॉट आए होंगे ऐसा कुछ। पागल, तुम लोग को जो सोचना है सोचते रहो, मेरा ऐसा कोई ठीक नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अब दे रहे तो हम लोग भी कहेंगे चलो मना नहीं कर, ऐसे मेरा बिल्कुल मन नहीं था, हम तो सोचे थे मना कर देंगे। सही बात है, तुमने क्या कहा था 10-15 दिन बाद देना, और आ रहा ये कब बोले थे 10-15 दिन बाद। हम ये नहीं कहते हम तुम्हें दिल रखने की, तुम्हें बुरा ना लगे था बर्थडे के दिन, तुमने कहा तो हमने कहा ठीक है। तो लगवा रही हो, बुरा लग रहा है, सच्चाई बता रहे हैं, मतलब जो हम लोग को फील हुआ वो चीज बता रहे हैं। हमने अपने बर्थडे वाले दिन, मतलब जो मजा बर्थडे वाले दिन आता है ना यार, वो बाद में नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो ये बात। फैमिली साथ भी किया था हम, तो उन लोग सरप्राइज 2 बजे तक आ जाए। चलो ठीक है, तुम एक्सप्लेनेशन मत दो, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं। वरना आज सुनना ही नहीं तो बोल, सुनना नहीं मतलब चलो अब खा लेते, वरना फिर खिलाओगी भी नहीं, लेके चली जाओगी आधे रास्ते से, तो खा लो भैया फिर बातें किया जाएगा। तो गाइस इसी कवर के लिए ये बर्थडे हम लोग को आज दे रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ये तो अपने ये कुछ बोलती ही नहीं है, ये खाली चुपम चुप रहती हैं, ये पीछे हर चीज में मजा लेने में है बस। नहीं न्यू में चलो भाई, बर्थडे गर्ल जहाँ कहेगी पोस्ट बर्थडे गर्ल तो वहीं चला जाएगा ना, कोई बात तो चलो वहीं चला जाए। नहीं रहन दो, वेदर कैसा है, मौसम भी औसम है, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। कॉपी राइट आ जाएगा, गाना मत गाओ, कहा है मुंह ताल ली, बुरा ना मानो, बुरा ना मानो बस। आज मेरा ये बर्थडे वीक चल रहा है, पूरा एक हफ्ते हम अपना बर्थडे, अभी कल भी मेरा बर्थडे है कहीं तो ठीक। अच्छा देखो वीक बर्थडे चल रहा है, लेकिन तुम लोग, हम तो अभी फील कर रहे हैं कि मेरा बर्थडे ही चल रहा है। अच्छा चलो ठीक करवा दी, चलो कोई बात नहीं, फिर तुम्हारा बर्थडे ही चल रहा होगा। हम लोग को लगा कि भैया बर्थडे एक ही दिन होता, हम लोग एक के दिन पैदा होते, लेकिन हमें लगता है अब हम लोग की ये हम लोग भी बर्थडे वीक मनाया जाएगा। ठीक तो क्या? एक बार तुम मुझे बर्थडे में पार्टी देना, तुम देना ठीक है मुस्कान। चलो फिर पहुँचने वहाँ पहुँच गए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे। ये बहुत बेइज्जती करती है पीछे से, अपना नहीं देख रही है, हील्स पीछे फूलना जैसे लग रहा है, शेर का बाल वो खाल लेकर सिंगर आसी है। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने सृष्टि के लिए कितना अच्छा डेकोरेशन करवाया है। क्या रे तो मत कर इसे यार, तो बताओ कैसा लग रहा है। चलो आओ बैठो, तुम्हारे लिए इधर इधर आओ यार गाइस, इतना अच्छा सरप्राइज तुम्हारे लिए हम लोग नहीं मिल सकता मुझे सर। चलो बैठो, थैंक यू सो मच गाइस। बहुत कमी यार, ये दांत ना निकालो, हम लोग इतना एफर्ट्स किए ये पूरा डेकोरेशन करवाने में तुम्हारे लिए। चलो बैठो, केक निकाल दो, वाला मेल्ट हो गया होगा इतनी देर में तो। लेकिन यार तो यार यहीं पे करवाई, अब सब लोग कर रहे हैं, लेट हो गई हम लोग को ना। चलो कोई बात नहीं, ऊपर ही चलते हैं, डेकोरेशन यही रहने देते हैं। सच में गाइस इन लोगों मेरी कोई किसी की चीज की कीमत ही नहीं है। चलते ये अपने पुराने अड्डे पे आ, यार यहाँ पे गर्मी लग रही है ना, उधर चलो या फिर बैठा जाए इस तरफ, आओ एसी नहीं होने के यहाँ का, चलो भैया उधर चलते हैं। भैया फोन ले गाइस, एसी खराब है, हम लोग कितने चेंज करना पड़ रहा है। चलो भाई बर्थडे गर्ल, इतना अच्छा डेकोरेशन कराया थे वहाँ नहीं बैठ पा रही थी, ₹5,000 मेरा वेस्ट गया पूरा। कोई बात, चलो वहाँ पे भी फोटो मिनट रुको, नहीं पहले इसको निकालो, तो ये जो गिफ्ट लाई ए वो मेरा निकाल दो, लाइट दे दो मुझे बस। देखो मैंने तुम्हारे लिए
लाइट की व्यवस्था की, कितनी प्यारी, देखो तुम कैसे चेंज हो जाओगी। ये देखिए गाइस बिफोर एंड आफ्टर लुक, क्या चाहते हो। और यहाँ पे हो रही है केक की अनबॉक्सिंग, करो, अच्छी लग रही है। ऑर्डर बताओ, बताओ तुम ना, तुम बताओ। क्वीन कौन था, हमारे लोग का आइडिया था, हमारा जो थी, हम ड्रामा करते हैं। चलो मंचूरियन रहेगा, पनीर मंचूरियन, मंचूरियन वेज, वेज ही करेंगे। चलो काटो, वो लाई हो क्या कैंडल वगैरह, कुछ लाई हो क्या? कैंडल नहीं था। चलो ठीक है फिर लगाओ ऐसे ही। स्पार्कल था वो वेस्ट, वहीं जला के देख लिए बाबा, कल भी लेके गए थे भाई के लिए, उसका वेस्ट पूरी बड़ी हमने कहा चलो भाई बर्थडे कर। तो गाइस केक कटिंग होने जा रहा है, फिर लड़ना, चलो लगाओ, बुलाओ कैश अपना। दिस इज हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सिस्टर, थैंक यू, थैंक यू गाइस। हां वी कैन स्टार्ट नाउ, केक नहीं आ रहा, केक नहीं आ रहा, कोई ना खाने के लिए उसको पहले खिलाओ, यही खिला देते मम्मी, खिलाए यार, लो खिलाओ उसको, खिलाने दो ना, यही में काम खिला दो, आओ तुम खिला दो, ये उसमें बोले मुझे खिला दे क्या है? हाँ इसे खिला दो, ओरियो बिस्कुट है, बॉन 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 बॉन, ये वाला भी, ये वाला तुम ही खाना है। हाँ ये नंगे खिला दे, ये ज्योति दीदी को आज ब्लैक पहनी है ना, ब्लैक पहनी है ज्योति दीदी, ब्लैक पहनी है, आगे सच में, चलो मुस्कान में बार बन आया नंदनी, दमो खिलाना बार बन, बहुत लाल तो ये तो खिलाओ, अंदर वाला सब, ऊपर वाला पीस खाली हो गया, अंदर वाला बचा है, सब चीज जो ऑर्डर किया था फटाफट आ भी गया, सर्विस अच्छी है। रख दो उसको, बाद में खाया जाएगा, अभी मेल्ट हो जाएगा फिर। अरे इसको दे दो प्लेट में, प्लेट में निकालो ना, खिला। चलो भैया सब चीज आ चुका है खाने पीने वाला, खाने मजा लो, तो इसको जल्दी से अब सर्व करो, बर्थडे गर्ल ही सर्व करेगी। आज तुम लोग मुझे सर्व करो। हम लोग क्यों सर्व करें भाई, हम लोग तो पोस्ट बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, पार्टी की वो सर्व करें हैं। इतना अच्छा डेकोरेशन कराया, वो भी वेस्ट हो गया पूरा, ये तो डेकोरेशन के पीछे एकदम परेशान है। इधर देखो, चलो 5,000 हमसे ले लेना, फोन पे करो तुरंत 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 गूगल पे फोन पे सब। चलो निकलो, निकालो केक, निकालो निकालो, फोन किसका है, ये आईफोन मैडम आइए प्लीज, केक, चाउमीन ठंडी हो रही, मटर उछल रहा है, कह रहा है मुझे ले लो, निकालो खाओ, शुरू करो गाइस। इनके नेल्स में चला गया केक, कुछ मिला है क्या? यस यस कर रही हो, मिल गया क्या कुछ? लो यार खाओ, अच्छा वीडियो सुनना, ला भैया खिलाओ, माय बर्थडे है ये, मेरा, ये मेरा और मेरी मोटी का प्यार है ये, मैं, अरे यार इसमें टाइमर, ये मेरा और मेरी छोटी खाओ, अच्छा मुंह के अंदर खाओ, मुंह के अंदर, तुम मुंह के बाहर, पहले जो बर्थडे करे वो स्नैप तो ले ले, पोस्ट बर्थडे भाई ये सब बस ये उड़ा है गाइस। तो क्या खा रही है रे? ना खा भाई, अब बहुत ज्यादा हो गया, तुम चिढ़ क्यों रही हो यार इतना, चिढ़ो मत, जो सच है वो सच है, मुस्कान कुछ कहोगी इसमें भाई, बात ही तो है ही है,
ये भी बोल पड़ी। वाह हम जा रहे यार इधर उधर, रुको रुको बहुत गंदा पेमेंट करके जाना। और जो खाना है रुक जाओ अभी थोड़ी देर, लास्ट में खाया जाएगा है। जा थोड़ी देर। मेरा वाला कहाँ गया ये अरे भैया बासी जो ताजा हम खाने के मामले में पीछे नहीं होते। बासी खाओ शरीर में लगेगा वही तो लगा है अपना बता रही हो तुम दूसरा लगा। गाइस ये कुछ ज्यादा बोल लो यार आओ देखो भाई लो, ये केक जो है वो पोस्ट बर्थडे का है। केक हो गया ना डन निकालू अब ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो गया होगा जैसे कि पार्टी ठंडी हो चुकी है। हम जा रहे हैं यहाँ से भाई तुम लोग ना बहुत गंदा तुम मुझे फील करवा रहे हो। ज्यादा गंदा ना फील कराओ। हाँ अच्छा गंदा क्यों फील हो रहा है तुम ऐसे डर्टी बोलो डर्टी बोलो गंदा क्या ऐसे बार बार बोल रही हो जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है तो हमें जो नहीं अच्छा लग रहा है वो क्या नहीं अच्छा लग रहा? ये पार्टी मुझे बहुत सूना सूना लग रहा है मतलब वो फील नहीं आ रहा जो मतलब गाइस आप बताओ जो ताजा बर्थडे होता उसमें एक अलग मतलब एंजॉयमेंट होता है एक अलग मजा। कोई ना चलो करते एंजॉय। गई है वॉश बेसिंग में जा रही हूँ क्या लेट जाओ पेमेंट करके जाना। डिलीट करोगे तुम्हें मुंह डिलीट कर देंगे। इधर देखे लो यार, प्लेट कुछ ज्यादा छोटी प्लेट नहीं आई यहाँ पे छोटी दी लाओ यार जल्दी लाओ प्लेट प्लेट सृष्टि ए वो जो ये मुस्कान के हाथ में तीन ही तीन आ रहा है लास्ट में चार जाए नहीं यार बस ये उड़ा है दबा के खाओ ला एक प्लेट और लो। ये हो गया हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं इसमें तुम ये मत सोचो कि हम किसी का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ खाने पीने वाला अच्छा देखो भाई जो दिल में था वो बोल दिया बाकी बुरा लगे तो कोई बात नहीं ठीक है। सृष्टि हम कह रहे जो दिल में था मैंने बोल दिया और बोल दो जितना और सब निकाल दो बाहर नहीं आज इतना बहुत है अभी के अभी कुछ खा लो फिर बोलते हैं। पेट भर चुका उसी से तो ये क्यों ली हो कैमरा ऑन करके खाओगी खुशोगी भी खाली कैमरा ऐसे लगा के खड़ी रहोगी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा तुम चिढ़ रही हो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे चिढ़ा रही हैं। चिढ़ा नहीं रहे नींबू निचोड़ो मुंह में मुस्कान नहीं तुम्हारे चुप रहो बंद हो रहा कैमरा खाओ खाओ नाग ना फूलो को पर्स लाओगी बे पैसा इसी में है गाइस पैसा मेरे बगल ही में रखा था लो बहुत भारी ए ये ले लो पहले क्या लाई थी देखे चलो फोटो खिंचा लेना तो फोटो खींच लेना अभी हम सोचे थे अभी केक कट करते हुए लगाएंगे कोई बात नहीं चलो अभी फोटो वीडियो तो ले लेंगे इधर से केक दिखा देंगे इधर वाला कटा वाला हिस्सा नहीं ये यार मेरा जो सामान था वो भी दे दो ला ये वीडियो में दे दे यार दो था मासा पियोगी नहीं यार मजाक कर पी लो नहीं यार तो हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है पोस्ट ये लाइन मारने का क्या मतलब था तुम सीधी सीधी बात मत बोलो नहीं 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 आप बोलिए आपका तो काम है बोलना ना तो आप बोलते रहिए मैं फर्क नहीं पड़ रहा। ओहो क्या कहना चाहती हूँ इसपे सब कुछ अपनी तरफ करके पढ़ा के लाई हो समझना तुमने चाहते ये लोग गवार हैं ये लोग गवार ये लोग मुस्कान तो एकदम कॉन्सेंट्रेट हो गए अपने खाने पे से फोकस कर रही है हम भी खाते भाई काहे इतना पानी पी रही भैया अच्छा ये सब मैं लेकर आई थी लेकिन भूल गई तो बनाना इसको सही तो है लिखा तो है बर्थडे गर्ल सही तो आ रहा है संपन्न
अच्छा सुनो, एक मुद्दे की बात कर लिया जाए पहले। इधर उठ के आओ, कम है। ज्योति दी बताएंगे। देखो यार, जो था वो हम लोग जिसे जो बोले हैं तुम्हें उसका बुरा मत मानना, मगर जो हम लोग के मन में था वो हम लोग बोले। भड़ास निकल ही जाती है। बस जैसे जो दिल की बात थी, इधर देख लो कैमरे में, जुबान पे आ गया वो बात आ गई, बट उसको फील मत करना क्योंकि ये एक प्रैंक था। कि मतलब ऐसे इसको बार बार सुना रहे यार। भाई हम सोचे ऐसा बिहेव तुम लोग करते हैं, तुम रो दोगी, रो देती तो हम सोचते थे कि तुम रो दो तो हम उसको प्रैंक और सक्सेस हो जाता है यार। चलो बता दे थोड़ा। नहीं यार, वही हम सब सोचे कि मतलब मान लो अगर नंदिनी तो कभी कभी चिढ़ा भी देती है, लेकिन ज्योति दीदी नहीं करती है, वो कहती है चलो जाने दो जाने दो, लेकिन वो भी साथ दी जा रही है, हाँ तो करी हो तो करी हो। हम सोच रहे ये ऐसा क्यों कह रही यार, हमें बहुत तो मैं अंदर से हमें फील है, तभी देखो बार बार कह चिढ़ना, हम चिढ़ते नहीं, हम मेरा कहना इसका हाँ, अंदर से हम कहे ज्योति दीदी सब कह के लाए थे कि मतलब तुम भी साथ देना बराबर। हमें देखो तुम, हम इसीलिए हम कह सबको कह के लाई हो क्या, क्योंकि आप कुछ कहती नहीं हमें कभी, बल्कि अगर हम इससे फाइट होगी तो आप हमेशा इसको कहेंगे ये अपना देख ले पहले। हमें बहुत दिल से बुरा लगने लगा था, हम रो देते अगर थोड़ी देर और तुम लोग ऐसे करती ना तो मैं आंसू आ जाता यार। हमने से तुम्हें ऐसे की एक प्रैंक बना ले कि इसके ऊपर ये हमको एक अच्छा टॉपिक लगा कि इसमें हम लोग लड़ सकते, और तुम इसमें शक भी नहीं कर सकती हो, तुम्हारे साथ ही हम लोग का एक प्रैंक और सकते हो गया। हम ज्योति दीदी को नहीं मान सकते कि वो कहेंगी यार, फिर हमको लग रहा है इनको भी बुरा लग गया है क्या, हमने इतनी बड़ी गलती कर। सो गाइस, मुझे लगा वो वीडियो शूट हो चुकी बट उसमें क्लिप नहीं ऐड हुआ था। चलो तो इस वीडियो को यही पैन करते हैं, और मैं ये कहती थी कि अगर ये इस वीडियो को जो देख रहा है जिनके साथ इनके बर्थडे पे पार्टी किया, तो ऐसा कुछ दिल पे मत लीजिएगा, जो भी है हम लोग मजाक करते हैं, मस्ती कर रहे थे, और ये हम लोग घर से प्लान करके आए थे कि इसको एकदम चिढ़ा देना है, बट हमने सोचा था कि ये एकदम रो देगी, बट इसके आग से आंसू ही नहीं निकले, इतनी कठोर लड़की। बट कोई ना, ये हम लोग को चाहे जब भी पार्टी दस दिन बाद भी देती तो हम लोग बुरा नहीं मानते, बस यही था पार्टी मिली, बस बस पार्टी बढ़िया रही। चलो ठीक है, फिर ये वीडियो यही पे एंड करते हैं, बाय बाय गाइस।